कल नॉर्मली बताए हुए थे कि यूट्रस लार्ज होता है, हॉलो होता है, मस्कुलर इनवर्टेड ईयर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसकी पेल्विस के अंदर प्रेजेंट होता है और यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो उसके पार्ट्स के नाम देखो, याद करो मैंने इस टाइप का जो स्ट्रक्चर एक दिखवाया हुआ था। देखो ये वाला जो पार्ट है कल मैंने बतलाया हुआ था, ओवरी मीसो ओवेरियम से कनेक्टेड है। यहां से फिमरी क्या करेगा, ओवम को फैलोपियन ट्यूब के अंदर लेगा। ये मैंने बतलाया हुआ था कि वन पेयर यानी कि सॉरी एक और एक यानी कि टोटल वन पेयर यानी कि टोटल दो फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होता है हर फीमेल में। उसके बाद बहुत से स्टूडेंट को ये डाउट होता है, उनको ये लगता है फैलोपियन ट्यूब एक ही है ये वाला। ठीक है, बट याद रखना इनके बीच में जो ये वाला पोर्शन है यूट्रस वाला पोर्शन, ठीक है, गर्भाशय वाला पोर्शन। तो देखो इसके तीन पार्ट होते हैं और तीन वॉल होते हैं। पार्ट इन द सेंस जैसे हमारे हमारा हेड वाला रीजन हो गया, थोरैक्स वाला रीजन हो गया, एब्डोमिन वाला रीजन हो गया, पेल्विस रीजन हो गया और लेग रीजन हो गया। सेम वैसे यहां पे भी होता है, फंडस ऊपर वाला, फंडस बीच वाला, बॉडी और सबसे लास्ट वाला सर्विक्स। ये है इसके तीनों पार्ट। ठीक है, यूट्रस के तीन पार्ट, फंडस बॉडी सर्विक्स। यदि हम उसके वॉल की बात करेंगे, यदि हम उसके लेयर की बात करेंगे तो लेयर भी यहाँ पे बतलाएंगे। ये वाला जो है यहाँ पे ये वाला ये मैंने बनाया हुआ था लेयर, तो यहाँ पे टोटल तीन लेयर होते हैं। सबसे बाहर वाला पेरिमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाला एंडोमेट्रियम। ठीक, तो वो तीन वॉल, तो वॉल पे बाद में आएंगे, पहले चलते हैं पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो कि है फंडस, ठीक है, और दूसरा है बॉडी और तीसरा है सर्विक्स। तो फंडस के बारे में मैंने बताया, इट इज डोम शेप्ड। इस टाइप का जो शेप होता है ना, दैट इज डोम शेप्ड पार्ट प्रेजेंट अबव द ओपनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, यानी कि फैलोपियन ट्यूब के ओपनिंग पे ये प्रेजेंट होता है। देखो इधर भी है फैलोपियन ट्यूब, इधर भी है फैलोपियन ट्यूब, तो जहां पे फैलोपियन ट्यूब खुलता है वहां पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, देखो यही वाला पार्ट है मैंने बताया है, ये फंडस। ठीक है, और फंडस ओपन कहाँ पे होता है, जहां पे फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग है उस वाले पार्ट को बोलते हैं फंडस। ठीक है, तो ये था फंडस। दूसरा सॉरी चलो देखो, इन दिस पार्ट फंडस में फंडस वाले रीजन में ही इन दिस पार्ट इम्प्लांटेशन अकर इन ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी कि वो जो इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट मैंने बताया हुआ था कि जब स्पर्म और ओवम मिलेंगे तो बनाएगा जाइगोट। अब जो जाइगोट बन गया, अब वो जाइगोट क्या होगा, 7 दिन के बाद कहां पे आएगा, यूट्रस में, और यूट्रस के फंडस वाले रीजन में आएगा और वहां पर आकर के उसमें धंस जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, और उसी के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वो क्या है, मदर का यूट्रस है, मम्मी का गर्भाशय है। अब उस गर्भाशय में होता है टिश्यू जिसको बोलेंगे यूट्राइन टिश्यू। ठीक है, जब यही आगे पढ़ाएंगे तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ था जो सबसे लास्ट ब्लास्टोसिस्ट वाला स्टेज होता है, इस ब्लास्टोसिस्ट वाले स्टेज में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होते हैं, और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ये जो यूट्राइन टिश्यू है एक इंटर डिजिटेटेड हो जाता है। इंटर डिजिटेटेड का मतलब ये सब है डिजिट, इस सब को बोलते हैं डिजिट। ठीक है, इस सब को बोलते हैं डिजिट।
और ये एक डिजिट उसे था, इतने डिजिट हो गया और ये बना दिया यहाँ पे क्या प्लासेंटा, और इसी के थ्रू मम्मी से उनके बच्चों में उनका आदान प्रदान होता है, या फिर आदान प्रदान प्लासेंटा के द्वारा होता है। तो इसी पार्ट में यूट्रस के फंडस वाले पार्ट में ही इम्प्लांटेशन होता है जब वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होता है, क्योंकि मैंने बताया हुआ था सबसे पहले ब्लास्टोमर, मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट और वही जाकर इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है याद रखना ये इम्पोर्टेंट है कि वो फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद होता है। क्लियर। दूसरा बॉडी, इट इज द मिडिल एंड मेन पार्ट ऑफ द बॉडी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो ऐसे जैसे होता है ना, बहुत लोग ये सोचते हैं कि पेट निकलता है तो ऐसे, ठीक है, या तो हो सकता है कोई सोचे ऊपर से ऐसे, ठीक है, पर वो नीचे से पेट निकलता है, जब उनकी प्रेगनेंट होती है तो उसके नीचे से पेट का साइज बढ़ता है नीचे से, ठीक है। तो चूंकि नीचे से साइज बढ़ेगा तो वाला जो पीछे वाला बॉडी है, क्योंकि अब मान लो बच्चा वो होता है, मैंने बताया हुआ था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना ही बड़ा, इससे बड़ा नहीं होता है, सिर्फ इतना ही हाथ में आ जाएगा, तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, इतना छोटा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जाहिर सी बात है उसमें जो बच्चा का बड़ा बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा तो वो साइज तो बड़ा लेगा, यानी कि एरिया तो लेगा, और वो एरिया बॉडी में लेता है, इस चीज को बोलते हैं बॉडी क्या है, एक मिडिल और सबसे मेन पार्ट है। सबसे लास्ट में सर्विक्स, इट इज लोअर, ये सबसे नीचे होता है और पतला, नीचे जब आ रहा था तो मैंने पतला पतला कर दिया था, तो वो लोअर यानी कि नीचे की ओर होता है, और पतला पार्ट है यूट्रस का, यूट्रस का सबसे पतला पार्ट कौन सा है, यही सर्विक्स, विच ओपन्स इनटू द बॉडी थ्रू वजाइना। यानी कि देखो यहाँ पे हम ऐसे बनाए हुए थे ना, ये क्या बोल रहा है, वजाइना के थ्रू ये बॉडी में ओपन होता है, फंडस, बॉडी, सर्विक्स और यहाँ पे होता है वजाइना, तो इसी वजाइना के थ्रू बॉडी में ओपन होता है। वही लाइन यहाँ पे कह रहा है कि सर्विक्स लोअर यानी कि नीचे वाला पार्ट है, नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस यानी कि गर्भाशय का सबसे पतला वाला पार्ट है, जो कि खुलता कहाँ पे है, बॉडी में, और एक और ओपनिंग कहाँ पे है उसका, वजाइना। अब देखो कैनाल ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स के अंदर के यदि कैनाल की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। देखो जो यहाँ पे जो ये वाला दिख रहा है, यहाँ पे जो ये वाला दिख रहा है, हम सिर्फ नॉर्मल डायग्राम, यहाँ पे कोई डायग्राम यहाँ पे सिर्फ समझा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने क्या बतलाया कि यहाँ पे है सर्विक्स, ठीक है, और यहाँ पे है वजाइना। अब बच्चा का जब फुल टर्म हो गया, यानी कि जब बच्चा 9 महीने का हो गया, अब उसको बाहर आना है, बाहर आना है, चलो तो बच्चा जब बाहर आएगा इसी रास्ते से बाहर आएगा, ठीक, तो जो इस रास्ते से बाहर आएगा तो जैसे बोलते हैं ना कि ये मान लो कि यहाँ वाला, तो मान लो किसी का अलग अलग क्लास होता है, तो हमको यहाँ जैसे मान लो कि डाक अवसर वाला वो गली है, बोलते हैं ना डाक अवसर कोचिंग वाला गली, वैसे ही जो यहाँ पे सर्विक्स है तो सर्विक्स के अंदर के केनाल को बोलते हैं सर्वाइकल केनाल, सर्विक्स के अंदर का जो केनाल होता है उसको बोलते हैं सर्वाइकल केनाल, एंड सर्वाइकल केनाल अलोंग विद वजाइना फॉर्म्स बर्थ केनाल। देखो सबसे नीचे में यूट्रस में क्या आया, सर्विक्स, तो सर्विक्स के अंदर का केनाल क्या कहलाएगा, सर्वाइकल केनाल, ठीक। उसके बाद सर्विक्स के बाद बच्चा कहां पे आएगा, वजाइना में आएगा, तो वजाइना के अंदर का केनाल क्या कहलाएगा, वजाइनल केनाल, ठीक है। अब यही दोनों जो केनाल है, यही दोनों केनाल को एक साथ हम बोलते हैं बर्थ केनाल, क्योंकि बच्चे का जो बर्थ होता है तो वो इसी रास्ते से इस दुनिया में आता है, दैट इज बर्थ केनाल, यानी कि
सेक्रल केनाल और वेजाइनल केनाल दोनों केनाल आपस में रास्ता बनाते हैं जिससे कि बच्चा दुनिया में आता है बाहर आता है। क्लियर, इतना नोट हो गया है। चलो अब इस पे आओ, देखो वही लाइन यहाँ पे सर्वाइकल केनाल और वेजाइनल केनाल ये दोनों मिलकर के क्या बना दिए, बर्थ केनाल। वहां पे हमने बात किया किसका, पार्ट ऑफ यूट्रस, पार्ट ऑफ यूट्रस, यूट्रस के भाग, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। लेकिन जब हम बात करेंगे वॉल्स ऑफ यूट्रस यानी कि उसके दीवार की हम बात करेंगे तो तीन दीवार होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। याद कैसे रखना है, देखो पेरी, पेरी मीन्स पेरीफेरी, मीन्स पेरीफेरी मतलब सबसे ऊपर वाला, सबसे बाहर वाला लेयर, जो सबसे बाहर वाला वॉल होगा दैट इज पेरीमेट्रियम। एंडो, एंडो का मतलब ही होता है अंदर, तो और मेट्रियम मतलब यूट्रस, यानी कि यूट्रस के सबसे अंदर वाला वॉल एंडोमेट्रियम, सबसे बाहर वाला पेरीमेट्रियम और एंडो वाला मायोमेट्रियम। तो जब बाहर और अंदर हो गया अब क्या बीच वाला ही आएगा, तो मायो मतलब याद रखना बीच में है और मेट्रियम मतलब वॉल ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस का जो बीच वाला वॉल होता है दैट इज मायोमेट्रियम। तो यूट्रस के टोटल तीन वॉल होते हैं, पहला पेरीमेट्रियम, दूसरा मायोमेट्रियम और सबसे अंदर में एंडोमेट्रियम। देखो जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे सबसे बाहर में होगा पेरीमेट्रियम, इसके अंदर में होगा मायोमेट्रियम और सबसे अंदर में होगा एंडोमेट्रियम। तो जाइगोट तो ऐसे आया, ठीक है, जाइगोट तो अंदर में ही है, ऐसा तो है नहीं जाइगोट इधर से आ रहा है, ठीक, तो जाइगोट तो यहाँ पे अंदर से आ रहा है। तो जब अंदर से आ रहा है तो उसको सबसे पहले कौन सा वॉल मिलेगा, सबसे एंडोमेट्रियम। तो बच्चा का जो इम्प्लांटेशन होगा वो होगा एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस में, धीरे धीरे वो अपना एरिया बढ़ाएगा और एरिया बढ़ाकर तो उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, 9 महीने का हो जाएगा, वो आउटसाइड द बॉडी आ जाएगा। पहला पेरीमेट्रियम, इट इज आउटर वॉल ऑफ यूट्रस, ये क्या है, सबसे बाहर वाला वॉल है यूट्रस का। इट इज मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू पड़े हुए होंगे 11th में, डेंस एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो वहां पे जो पड़े हुए होंगे क्लास 11th में डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो ये जो पेरीमेट्रियम होता है, ये पेरीमेट्रियम बना हुआ होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। इस चीज को याद रखना, नहीं भी याद रखोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर याद रखो। दूसरा मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम क्या है, इट इज मिडिल वॉल ऑफ यूट्रस, ये यूट्रस का सबसे मिडिल वाला वॉल है जो कि बना हुआ होता है स्मूथ।
ये देखो देखो जाता ड्यू टू फुली ग्रोथ ऑफ फीटस इंड्यूस्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स इन मायोमेट्रियम वॉल ऑफ यूटर। देखो इधर ध्यान दो, जब क्या होता है, जब बच्चा फुली डेवलप्ड हो गया, ठीक है, जब बेबी फुली डेवलप्ड हो गया, मैंने बताया क्या, बच्चा का इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगा, एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूटरस में। पार्ट की यदि बात करेंगे तो फंडस वाले पार्ट में, ठीक। लेकिन जब बच्चा, बच्चे का फुल्ली ग्रोथ हो जाता है, जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है, जब बच्चा प्रॉपर 9 महीने का हो जाएगा, उसके बाद जो उनका मसल होगा, जो कि मायोमेट्रियम वॉल में होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें खिंचाव होता है, खिंचाव जैसे होता है ना, कि जब वो 9 महीने का पूरा प्रॉपर हो गया, ऐसा जाता है। उसके बाद जैसे कि किसी किसी का हाथ बड़ा टाइट होता है, जैसे हम लोग एक फिजिक्स वाले सर का हाथ बड़ा, वो क्या करते हैं, मारते नहीं थे, जो आगे में बैठ पड़ा था ना, उसको सीधा ऐसे पकड़ते थे ना, कैसे लग रहा था, जब पकड़ लिए हैं बढ़िया से, हालत खराब हो गया था, तो वैसे ही सीधा उसमें क्या होता है, जैसे ही उसका फुल्ली ग्रोथ हो जाता है बच्चे का, जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है, उसके ठीक बाद उसमें उसका जो मायोमेट्रियम वॉल है, यानी कि यूट्रस का जो बीच वाला वॉल है, उसमें तेज खिंचाव होता है, ठीक है, और उसी खिंचाव को कम करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसीलिए इसको बोला जाता है लेबर पेन हार्मोन। और जब फीमेल बच्चे को जन्म दे रही होती है तो अप्रोक्स 50 से 52 हड्डी के एक साथ टूटने के बराबर दर्द होता है, और उस दर्द को कम करने में मदद करता है कौन, यही ऑक्सीटोसिन। और यदि यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा उस दौरान, तो उस दौरान नो डाउट की जान चली जाएगी, इसीलिए इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बोलते हैं लेबर पेन हार्मोन। फिर से बोल देता हूं, जब बच्चा प्रॉपर 9 महीने का हो जाता है, उसके बाद यूट्रस का जो मायोमेट्रियम वॉल है, उसमें खिंचाव होता है, ठीक है, और जब उसमें खिंचाव होता है, तेज खिंचाव होता है, तो वहीं पे फीमेल को पेन स्टार्ट होता है, दर्द स्टार्ट होता है, और जब दर्द स्टार्ट होता है तो देखे हुए होंगे कि जब डॉक्टर लिखेगा ना, बहुत डॉक्टर ऐसा होता है, वो
क्या करेगा, एग्जैक्ट डेट ही बता देगा, ठीक है, कि किस दिन एग्जैक्ट उसको दर्द होगा, ठीक है। तो जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मुझे बतला देंगे, निकालना सिखा देंगे किस दिन फीमेल को एग्जैक्ट दर्द होता है और किस दिन एग्जैक्ट फीमेल को बच्चा पैदा होगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट जिस दिन पेन होगा उसी कारण होता है, क्योंकि उनके मायोमेट्रियल वॉल में कॉन्ट्रेक्शन होता है, खिंचाव होता है, जिसके कारण दर्द स्टार्ट होता है, जिस दर्द को कम करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और जब वो बच्चा बाहर आने लगता है तो हड्डियों के टूटने के बराबर उनको दर्द होता है, जिसको कंपाउंड करता है यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में एंडोमेट्रियम यानी कि अंदर वाला, इट इज इनर वॉल ऑफ यूट्रस, ये क्या है, यूट्रस का इनर वॉल है, विच इज हाईली वैस्कुलर एंड हाईली ग्लैंडुलर। हाईली वैस्कुलर एंड हाईली ग्लैंडुलर का मतलब क्या हुआ, हाईली वैस्कुलर यहाँ यानी कि यहाँ पे बहुत से टिश्यूज सेल्स का बंडल वहां पे प्रेजेंट होता है, एंड हाईली ग्लैंडुलर क्योंकि उन्हीं और उन्हीं के अंदर में बहुत से ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है उसमें उसकी मदद करते हैं। देखो, due to absence of progesterone in bleeding phase of menstrual cycle, cyclic changes contraction occurs in this wall, ठीक है? यानी कि क्या होता है कि सुने हुए होंगे या पता होगा, जब किसी फीमेल को पीरियड्स होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, सॉरी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब उसको पीरियड्स होता है 4-5 दिन का, तो उसमें बताएंगे कि एक उसको हल्का सा वाटर सब्सटेंस भी आता है, ब्लड भी आता है, हो सकता है ओवम भी आ जाए यदि उस बीच के आसपास का है तो। उसके बाद उसी में एंडोमेट्रियम वॉल भी टूट करके उसी ओवम के द्वारा बाहर आता है। तो जब क्योंकि ब्लीडिंग फेज में क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन लो होता है, कम होता है, नहीं होता है, जिसके कारण उनके एंडोमेट्रियम वॉल में खिंचाव होता है और एंडोमेट्रियम वॉल टूटता है और पीरियड्स के दौरान ब्लड के साथ साथ ये भी बाहर आता है एंडोमेट्रियम वॉल। तो जब वहां पे बदलाएंगे कि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगे तो वहां पे बदलाएंगे जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है, जो फीमेल को डिस्चार्ज होता है, जो फीमेल के बॉडी से निकलता है, उसमें एक तो ब्लड होता है, दूसरा एंडोमेट्रियम वॉल का टूटा हुआ कुछ भाग होता है, तीसरा म्यूकस होता है, चौथा कुछ वाटरी सब्सटेंस भी होते हैं, पांचवा ओवम भी हो सकता है, वो होता है उसका मेंस्ट्रुअल फ्लूइड का कंटेंट। यहां तक क्लियर है? चलो उसके बाद अब देखो फंक्शन ऑफ यूट्रस यानी कि यूट्रस का फंक्शन क्या है, गर्भाशय का फंक्शन क्या है। सबसे पहला फंक्शन देखो, इट इज फीटल ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चे का ग्रोथ होता है वो कहां पे होता है, यूट्रस में ही होता है। और दूसरा इसका फंक्शन, इट ऑल्सो टेक्स पार्ट इन प्लासेंटा फॉर्मेशन। जो प्लासेंटा का जब निर्माण होता है तो उस प्लासेंटा के निर्माण में भी ये उसकी मदद करता है। साथ ही साथ जब बच्चा बॉडी से बाहर आ रहा होता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का ही नॉर्मल नेम है डिलीवरी, हिंदी में प्रसव, यानी कि जब बच्चा इस दुनिया में आ रहा होता है, जब उस फीमेल का डिलीवरी हो रहा होता है, जब बच्चे का डिलीवरी हो रहा होता है, उस टाइम ये उसको उस बच्चे को बाहर आने में मदद करता है। कैसे, मैंने बताया कि सर्वाइकल कैनाल, वेजाइनल कैनाल दोनों मिलकर के बनाते हैं बर्थ कैनाल। सर्वाइकल कैनाल पार्ट किसका था, सर्वाइकल कैनाल पार्ट किसका था, सर्विक्स का था, और सर्विक्स किसका पार्ट है, यूट्रस का पार्ट है। तो जब वो यूट्रस का पार्ट है तो आ गया ना यहाँ पे रोल कि जब बच्चे का डिलीवरी होता है, जब बच्चे का पार्चुरेशन होता है तो ये उसको एक्सपल्शन यानी कि बाहर उसको धक्का देने में भी उसकी मदद करता है। क्लियर? यहां तक था यूट्रस। उसके बाद अब आएंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जो उस दिन मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ था कि एक्सटर्नल फीमेल के वेजाइना में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बाहरी से एक्सटर्नली क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, तो उसमें एक होता है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, प्रीफ्यूस, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अंदर याद करो मैंने बताया हुआ था, एक था यूरेथ्रल होल जहां से पेशाब वगैरह निकलता है, दूसरा था वेजाइनल होल जहां से सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल का पेनिस उसके अंदर में जाता है, तो वो सब मैंने बताया हुआ था। मॉन्स प्यूबिस याद करो मैंने बताया हुआ था, इट इज प्रेजेंट अबव द प्रीप्यूस। देखो
जब लेबिया मेजोरा का डायग्राम बनाएंगे तो कुछ हल्का सा इस टाइप का बनाएंगे, इसी को बोलते हैं प्रीप्यूस। ठीक है, प्रीप्यूस। यहां पे क्या है, मॉन्स प्यूबिस। क्या बोल रहा है, इट इज प्रेजेंट अबव द प्रीप्यूस। याद करो मैंने कुछ इस टाइप का वहां पे स्ट्रक्चर एक दिखाया हुआ था, तो ऊपर में ये वाला जो पोर्शन था मैंने बताया हुआ था कि इसी को बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, इस एरिया को। और इस एरिया पे जो बाल प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज प्यूबिक हेयर। ठीक, इट इज द कुशन ऑफ, इट इज द कुशन ऑफ फैटी टिश्यू व्हिच इज कवर्ड बाय द स्किन। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पे भी हाई अमाउंट ऑफ फैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है। जैसे कि मेल में क्या होता है, मेल में फैट का डिपोजिशन पेट में होता है, इसीलिए ज्यादातर देखोगे कि जब जब बहुत बार क्या होता है कि कोई मेल यदि एक्सरसाइज वगैरह करना छोड़ दे या फिर फिजिकल एक्टिविटी करना छोड़ दे तो पेट वगैरह बाहर आने लगता है। ठीक है, जैसे कि हम ही जब कॉलेज में, तो मेरा एक मैंने जो स्पेशलाइजेशन किया हुआ था योगा में किया हुआ था, तो यदि कभी अपना मैं फोटो कभी कहीं से देखा तो ऐसे ऐसे स्ट्रेचेस था, इस पाँव को यहाँ पे इधर से पार करना, लेटे हुए यहाँ पाँव सीधा इधर हो गया है, मतलब कि बहुत टाइप का स्ट्रेचिंग हो पाता था। लेकिन अभी क्या हो गया, जैसे क्लास स्टार्ट हुआ, मधुबनी जाना हुआ, 24 घंटे का फिजिकल शेड्यूल हुआ, बाइक चलाना हुआ, टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा सा 10 मिनट भी घूमने का, टहलने का, वॉक करने का, जिस कारण हल्का सा डाइट की बात है पेट में फिट आएगा, हल्का पेट निकलेगा। क्लियर, सेम वैसे ही अंदरों का सभी शेर रहा योगा एक्सपर्ट छे। उसके बाद जो मेल में एब्डोमेन में फैट का डिपोजिशन होता है, और फीमेल में जो पेल्विस वाला पार्ट होता है, पेल्विस वाला जो पार्ट होता है, कमर वाला जो पार्ट होता है, तो फीमेल में फैट का डिपोजिशन उस वाले जगह पे होता है, जिसके कारण फीमेल का पेल्विस थोड़ा सा चौड़ा दिखता है। साथ ही साथ जो पेल्विस वाले पार्ट में भी जहाँ पे प्यूबिक हेयर, जहाँ पे बाल प्रेजेंट होते हैं, वहां पे भी हाई अमाउंट में फैटी टिश्यू पाया जाता है जो कि स्किन से कवर होता है। क्लियर, उसके बाद याद करो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर मैंने बतलाया हुआ था, लेबिया मेजोरा, जो कि वन पेयर स्किन का फोल्ड होता है, एक इधर से होता है और एक इधर से होता है, जो कि प्यूबिक हेयर्स और वल्वा को सराउंड करता है, यानी कि घेरता है। इसका डायग्राम भी अगले क्लास में बतलाएंगे और ये भी चीज आगे कंटिन्यू करेंगे, नोट कर लो। जल्दी मत करना।